हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल फूड। सो आज मैं बनाने वाला हूँ पोटैटो वेजेस। इसे बनाने के लिए हमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। चलो तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेजेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज आलू लिए हैं। ये आलू को अच्छे से साफ करें। वेजेस के कटिंग के लिए पहले आलू को हाफ में कट करें। अब ये हाफ कटे हुए आलू को और हाफ में डिवाइड करें और इसी तरह से सारे आलू को कट करें। अब ये वेजेस को पानी में ऐड कर अच्छे से वॉश करें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉश करने से पोटैटो में जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है। एक्स्ट्रा स्टार्च से आपके वेजेस क्रिस्पी नहीं होंगे, सो इसे अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद ये वेजेस को बॉईल करें। यहाँ पे बॉइलिंग करने के वक्त मैंने पानी में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। इससे जो एक्स्ट्रा स्टार्च पोटैटो में रहता है वो निकल जाएगा। अभी हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि आलू कब तक बॉईल करना है। तो ये देखो, ये वेजेस की शार्पनेस कैसे फर्म है, वैसे ही रहनी चाहिए। और मैं आपको इसे ब्रेक करके भी बताता हूँ। देखो, लग रहा है ना सॉफ्ट, ऐसा ही होना चाहिए। और बस अभी ये बॉईल करे हुए वेजेस को एक ड्राई क्लॉथ से वाइप करें और ठंडे होने को रख दीजिए। अभी ये वेजेस को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पाइस मिक्स बनाने वाला हूँ। सो ये स्पाइस मिक्स बनाने के लिए मैंने 6 to 7 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, 1 स्मॉल साइज जिंजर, 1 ग्रीन चिली, 1/2 बंच कोरिएंडर और 1 टेबलस्पून बटर। बटर यहाँ पे की इंग्रेडिएंट है, इसे ज़रूर ऐड करें। अब ये मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद देखो, आपका स्पाइस मिक्स ऐसा दिखेगा। अब वेजेस के कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है। चावल के आटा ऐड करने से आपका वेजेस और क्रिस्पी बनेगा, सो इसे ज़रूर ऐड करें। अब यहाँ पे मैंने वो जो ब्लेंड किया हुआ मसाला था ना, वो ऐड किया है। अब मैंने 1 टीस्पून ओरिगेनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और पानी ऐड करके बैटर बनाए। ये बैटर ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब ये पोटैटो वेजेस को बैटर में डिप करके मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। वेजेस को हम और एक बार डीप फ्राई करेंगे, पर इस वक्त हम इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक डीप फ्राई करेंगे। ये स्टेप करने से आपका वेजेस और क्रिस्पी बनेगा। और बस आपके पोटैटो वेजेस रेडी है। ये देखो कितना क्रिस्पी बना है। और हमने जो मसाला बनाया है वो भी अच्छे से कोट हुआ है। ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें। एंड टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।